इस बारे में मैं लिखते रहो सुनते भी रहो, ये कह रहा हूँ आपको कि भाई इतनी बात अपन ने सुनी और जानी ही है कि मेटल में क्या होता है बेटा। मेटल में क्या ना, इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी फ्री रहते हैं, तभी तो मेटल कंडक्ट कर सकता है इतनी आसानी से। अगर कंडक्ट करता है कोई चीज़ तो बिजली के साथ साथ हीट का भी कंडक्शन हो सकता है। तो वही है, मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। मतलब लोहे को किसी एक कोने में मोमबत्ती के नीचे रखो, दूसरा लो कोना भी आपको गर्म लगेगा, क्या मतलब हीट कंडक्ट होके आ ही रही है। भाई मेटल जनरली सॉलिड होते हैं और सॉलिड एक दूसरे के पास रहता है तो जनरली मेल्ट करना कठिन होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं। बिजली या हीट कंडक्ट करने में सबसे अच्छे होते हैं सिल्वर और कॉपर, जिसमें कॉपर के तो तार बनते भी हैं, सिल्वर के बन तो सकते थे, कंडक्ट तो बहुत अच्छा करता है लेकिन महंगे पड़ते हैं, इसलिए कॉपर आदमी पिक करता है। लेड और मरकरी हालांकि है मेटल्स ही, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी कम होती है क्योंकि इनमें इनका न्यूक्लियस भारी होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा पकड़ के रखते हैं, इसलिए पुअर कंडक्टर होता है। नॉन कंडक्टर्स तो नहीं हो सकते पर हाँ, बाकी मेटल की अपेक्षा पुअर है। साथ में इसका एक और भाई है सीजियम, ये एक ऐसे मेटल है, मेटल जनरली सॉलिड होते हैं पर ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है, पता होनी चाहिए आपको, इतना लिखो लिखो तो हाँ बोलो, दिक्कत हो तो पूछो। इन दो पॉइंट्स को लिखते भी रहिए, इनकी हिंदी ये कह रही है बेटा कि वही बात ही बात फिर से कि मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हीट इलेक्ट्रिसिटी दोनों के अच्छे कंडक्टर हैं। फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है, कह रहा है मेटालिक वायर जो बिजली कंडक्ट करती हैं वो कंडक्टर तो हैं लेकिन उनको बेचा वैसे रूप में नहीं जाता, उनको बेचा जाता आपने देखा भी होगा, रेड येलो ब्लू कलर की उसमें एक कोटिंग लगी रहती है। वो कोटिंग इसलिए रहती है ताकि उनका इंसुलेशन हो सके, इंसुलेशन मतलब एक तार दूसरे तार से टच ना करे। अगर आपने कभी भी थोड़ी मोटी तार देखी होगी तो वो काली काली इंसुलेशन रहता है, उसको काटो तो अंदर लाल हरा पीला पतली पतली तारे रहती हैं। उसका रीज़न ये होता है बेटा कि करंट को ना अगर मल्टीपल वायर से भेजो ना, जैसे मान लो 10 रुपये की चीज़ को मल्टीपल वायर से भेजो ना, मान लो 4 वायर से भेजोगे तो एक्चुअली 2.5-2.5 रुपये का करंट सब, 2.5-2.5 एम्पीयर का करंट सब बियर करेंगे। तो पैरेलली करेक्शन तार को भेजने से होता ये है कि एक तार में उतना स्ट्रेस नहीं आता तो उतना हीट लॉसेस नहीं होते, बिजली लॉस हीट, तारे गर्म कम होंगी तो आपकी बिजली का बिल भी कम आएगा, है ना। तो इसलिए जनरली आदमी ही कभी भी बिजली भेजता है तो पैरेलली बहुत सारे तार, तो पैरेलली हर तार को आपस में इंसुलेट कैसे करोगे भाई, तो इसमें इंसुलेटर्स लगा दिए जाते हैं। और इंसुलेटर ये जनरली पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है, कई बार रबर की कोटिंग होती है, तो ये शायद जानकारी है आपको, नहीं है तो हो गई, आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट। और सातवें पॉइंट की हिंदी ये लिखी हुई है कि मेटल्स जो कि कभी भी हार्ड सरफेस में अगर हिट करते हैं, आप उनको कट करके लोहे या पत्थर से मारते हो तो आवाज़ आती है टंग टंग, दिस इज़ कॉल्ड सोन, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड, मेटल इज़ कॉल्ड सोनोरस। ये प्रॉपर्टी कहलाती है कि मेटल सोनोरस होते हैं, मतलब स्ट्राइक करने पे आवाज़ करते हैं। मैं एक बार हिंदी बोल देता हूँ दोनों पॉइंट्स की, अब आप लिख सकते हैं। बोल रहा है नॉन मेटल जो होते हैं जनरली सॉलिड या गैस होते हैं, ब्रोमीन जो कि नॉन मेटल ज़रूर है पर लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और आयोडीन जो कि नॉन मेटल ज़रूर है लेकिन ये सॉलिड है। हेलो, यस सर, यस सर, और जनरली आपसे अगर कोई पूछे तो नॉन मेटल बेटा जनरली गैशियस स्टेट में मिलता है, सॉलिड और लिक्विड मिलने की टेंडेंसी बहुत कम होती है, पर हाँ ब्रोमीन एक नॉन मेटल है लिक्विड स्टेट में है, आयोडीन एक नॉन मेटल है सॉलिड स्टेट में। लिखो तो हाँ बोलो, आयोडीन सॉलिड है तो लिखवा दिया, और जनरली कह रहा हूँ नॉन मेटल जो होते हैं उनमें चमक नहीं होती, परंतु आयोडीन एक नॉन मेटल है, सॉलिड भी है और उसमें चमक भी है। तो मैं एक्चुअली नॉन मेटल्स के लिए जनरल बात करके कुछ कुछ जो एक्सेप्शंस हैं उस जनरल बात के वो भी लिखवाता चल रहा हूँ। लिखो तो हाँ बोलो, इंटर है, लिखते जाइए सुनते भी रहिए। जहाँ मेटल गुड कंडक्टर थे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होंगे क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें नहीं होते हैं, बल्कि जो भी होते हैं उनको एकदम खींच के रखता है, कहता है और आओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और वो सॉलिड होते हैं जनरली तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ये जनरली गैस होते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिखो तो हम बोलो, हम नोट 1 में लिख रहे हैं कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब
भाई नॉर्मल नॉन मेटल है, लेकिन अलग अलग फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है हमारे पर्यावरण में, नेचर में। द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म इज नोन एज एलोट्रॉफी। मतलब हर वो एलिमेंट जिसके पास क्षमता होती है भगवान के बाजार में यानी कि नेचर में एक से ज़्यादा फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करने की, इस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉफी कहते हैं, और हर वो फिजिकल स्टेट को एलोट्रॉफ्स कहते हैं। शायद आप जानते भी होंगे कार्बन, हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, चौथे चैप्टर में, पर इतनी जानकारी मैं आपको अभी भी दे दूंगा, नोट लिखा के भी दूंगा, ऊपर इंग्लिश लिखते रहो सुनते भी रहो, कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके एलोट्रॉफ शायद आप सबने देखे भी हैं, इसलिए बड़ा फेमस है क्योंकि कॉमन है बहुत। आपकी जो पेंसिल की नोक है ना बेटा, ग्रेफाइट, वो भी कार्बन है। या पेंसिल की नोक बहुत अच्छी नहीं लगेगी तो शायद डायमंड सबने देखा होगा, मतलब वो जो अंगूठी का रहता है वो भी एक्चुअली बेटा केमिकली कार्बन ही है दोनों, लेकिन फिजिकल स्टेट अलग अलग है, दिख रहे हैं आपको, देखे हैं आपने, तो वही है नोट टू बेटा, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, वन कार्बन इज अच्छा अभी ये बाद में, ये अभी हाँ नहीं है ना। तो जो एलोट्रॉप, तो वैसे कार्बन के बहुत सारे होते हैं, पर जो बहुत फेमस दो एलोट्रॉप्स हैं वो मैं लिख रहा हूँ, डायमंड और ग्रेफाइट। कॉपी को दो हिस्सों में बांट देंगे, लेफ्ट में डायमंड राइट में ग्रेफाइट, इतना लिखे तो हाँ बोले। कहने का मतलब है, हिंदी में बता देता हूँ भाई, हैं दोनों केमिकली कार्बन, मतलब अगर आप डायमंड का रिएक्शन कराओगे तो वो भी कायदे से सी सॉलिड है, ग्रेफाइट का कराओगे वो भी सी सॉलिड है, केमिकली कोई फ़र्क नहीं दोनों में, पर फिजिकल स्टेट में आपको पता है बहुत फ़र्क है। तो डायमंड में लिखा है कि कार्बन का एलोट्रॉफ है सबसे हार्डेस्ट है, वही ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी है। इस क्योंकि हार्ड है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ग्रेफाइट का बहुत लो है। डायमंड नॉट अ कंडक्टर, और ग्रेफाइट में लिख देंगे इलेक्ट्रॉन चेंज करके, इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड कंडक्टर नहीं होता, डायमंड से बिजली पास करो नहीं फ्लो करेगी, ग्रेफाइट से पास करो कर जाएगी। तो सर सब कुछ है केमिकली कार्बन ही दोनों, फिजिकल स्टेट में इतना फर्क कहाँ होता है, क्यों होता है और विस्तार से देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स में, होता है जान लो क्या है वो डिफरेंस, मैंने आपको बता दिया, लिखो तो हम सर एटमॉस्फेयर में तो सर 78+21 99, मतलब लगभग 1% बाकी की होगी। हेलो यस सर, तो मैं लगभग बात कर रहा हूँ बेटा, मैंने यहाँ पे एक काम करो आप ऐसे कर दो इसको, लगभग 80% लगभग 20%, अब ठीक है, क्योंकि बाकी बेटा आप समझो ना, जब आज दुनिया की ये हाल है कि घरों में बैठ के हम पढ़ रहे हैं, वो इतनी खतरनाक बीमारी की जो दवाई भी है बेटा, वो पता है कितना प्रतिशत इफेक्टिव, पर हम उसको दवाई मान रहे हैं 90-92, लेकिन दवाई मान रहे हो ना, लाइन लगा के लगवा रहे हो ना। हेलो यस सर, तो बेटा जब प्रैक्टिकली बात करते हैं तो सोचो हमने 8% को भी कुछ नहीं माना, तो वही मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, हवा से मतलब, हवा मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्या 1% देना है, बहुत गैसेस, लेकिन इन जनरल अपन जनरलाइज बात में 1% नहीं गिना जाता बेटा, क्योंकि 1% तो गांधी जी भी बेमान थे भाई, बाप का पैसा चुराए थे, माँ का सोना चुराए थे, तो मतलब समझ रहे हो, मतलब जो सच्चाई की मूरत है वो भी 1% बेमान रहे, तो प्रैक्टिकली तो होता है ना ऐसा भाई, गांधी जी आज की तारीख में तो उनको जेल हो जाती, क्यों 13 साल में शादी कर ली रहे तो इसीलिए बोलते हैं कि भगवान भी आज की तारीख में आ जाए ना, तो भगवान को भी खुद को साबित करना पड़ जाएगा, भगवान पानी चल के दिखाओ चलो वन माने भगवान थोड़ा सा और यहाँ पे डिटेलिंग की गई है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में, अच्छी डिटेलिंग है, केमिकल बॉन्डिंग वाली डिटेलिंग है, 9वीं पास हो आपको शायद पता भी होगा, पहले सुन लो फिर बनाना। भाई हर आटम दूसरे आटम से बॉन्ड क्यों बनाता है बच्चों, अपने क्लोजेस्ट इनर्ट गैस की तरह होने के लिए, जैसे आप भी आसपास यही देखते हो कि माँ बाप भी यही कहते होंगे, देखो उसने ये किया देखो उसने किया, रेफरेंस किसी ढंग के व्यक्ति को लेते होंगे और बोलते होंगे तुम भी वैसा बनो, ठीक है, वो एक्चुअली मोटिवेशन प्रोवाइड करता है भाई आसपास की लोग, तो वही वाली बात है, ये हमारे अंदर बहुत एटॉमिक लेवल पे है,
एटम्स भी अपने क्लोजेस्ट इनर्ट गैस की तरह होना चाहते हैं। हालांकि बात बेकूफ़ी है, पर मैं 11वीं बाद इस बेवकूफ़ी को ठीक करूंगा, अभी तक अपनी गाड़ी गाड़ी चलेगी। और इनर्ट गैसेस पे खोज हुई तो देखा गया भैया उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो बोला गया भाई हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। नाइट्रोजन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शायद आप 9वीं जानते हो, 5। वो 5 इलेक्ट्रॉन्स देखो मैं दिखा भी रहा हूँ, 1, 2, 3 और ये 2 ऊपर हैं, 4, 5 डॉट बने ना 2, इसके भी 5 हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो 3 की शेयरिंग कर लो तो 5 और 3 हो गए 8, इसको भी 8, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट। अगर आप गौर करो तो बेटा नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितने बंधन, इन्हें कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ऐसे कितने बंधन बन गए 3, इन इस नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। वही ऑक्सीजन के आउटर मोशन में देखोगे तो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके भी 6 हैं। अगर 6 होते हैं तो सर ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, 2, तो 6 और 2, 8, लेकिन दो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड कितने बंधन है, 2 बंधन है, बॉन्ड ऑर्डर 2। तुम बताओ दो बॉन्ड ऑर्डर तोड़ना कठिन कि 3, सर 3 कठिन। बॉन्ड तोड़ना भाई 3 रस्सियाँ तोड़ना ज़्यादा कठिन है कि 2 रस्सियाँ, सर 3, तो ये नहीं टूट पाती इतनी आसानी से, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन, ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन नहीं करेगा। हेलो, नहीं होगा, समझ में आ गया, शायद ये टेक्निकल डिटेलिंग मिल गई आपको कि क्यों नाइट्रोजन सबसे स्टेबल डायटोमिक मॉलिक्यूल है, क्यों वो रिएक्ट नहीं करता भले 80%, तो जो बचा है वो रिएक्ट करेगा वो ऑक्सीजन। तो मतलब मेटल अगर एयर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आज कोई ना भी बोले तो भी हम समझ गए एयर के साथ रिएक्शन मतलब मास्टर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन स्वैग में रहता है, कहता हम हमसे ना बोली कुछ तो नाइट्रोजन कोई छेड़ता नहीं, कहता चलो भैया निकल लो, समझ रहे हो ना। जैसे आपको भी कुछ अपनी बात मनवानी है तो माँ बाप में वो जो आपसे इंटिमिडेट हो जाते होंगे, जो उन स्ट्रिक्ट वाला है उसे पतली गली से निकल लेते हो, तुम लोग क्या रापड़ थोड़ी खाना है ना, कई केसेस में माँ होती है, कई केसेस में पिताजी होते हैं। खैर लिखो तो, हाँ बोलो, तो रिएक्शन विथ एयर में सबसे पहले हमने बात की कि भले हवा में ऑक्सीजन 20% है लगभग, इन पर भी रिएक्शन वही करेगा जो मैक्सिमम है वो ये नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि स्टेबल है। तो पहले पॉइंट में अपन ने नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी और ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी के बारे में चर्चा की। आइए दूसरा पॉइंट बढ़े, दूसरा पॉइंट शुरू करेंगे, उसमें लिखेंगे मेटल सॉलिड प्लस O2 गैस। अब मैं रिएक्शन सीधा बता रहा हूँ, हवा है, हवा में रिएक्ट किससे करेगा, O2 से, और होगा क्या सर, मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, ये जानकारी दे रहा हूँ आपको। मेटल ऑक्साइड बच्चों सॉलिड स्टेट में होते हैं जनरली, क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जब भी बनता है तो मेटल में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्साइड में नेगेटिव चार्ज, क्यों वो भी बता देता हूँ, क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि वो मेटल है, और ऑक्सीजन बीइंग अ नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स की भूख होती है नॉन मेटल में, तो एक एक को देना है दूसरे को लेना है, तो लेन देन हो गया, बिजनेस पूरा, ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, तो एक में प्लस दूसरे माइनस, प्लस माइनस एक दूसरे को क्या बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, हाँ, तो खट्टे से चिपक के रहते हैं क्या बन के सॉलिड। हेलो, बोलना पड़ेगा, ये जानकारी अलग है, ऑक्साइड बनाता है वो मैंने इंग्लिश में लिख दिया, एग्जांपल लिख दिया, मैग्नीशियम एक मेटल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, और एक जानकारी ये लिख दी कि एक्चुअली बेटा हवा में अगर ऑक्सीजन के साथ किसी भी व्यक्ति का रिएक्शन होता है ना, तो देसी भाषा में हम उसे बर्निंग कहते हैं, क्योंकि बर्निंग इज ऑल्सो, कम्बशन इज ऑल्सो नथिंग बट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जैसे कि आपने शायद देखा भी है, मैग्नीशियम बेसिकली फुलझड़ी जैसी चीज़ को आप मान सकते हो, फुलझड़ी शायद सबने जलते हुए देखी है, फुलझड़ी जब भी जलती है बच्चों तो फ्लेम एक 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 रोशनी आती है, डैजलिंग वाइट फ्लेम, ये वाली बात लिखी हुई है मैग्नीशियम के लिए, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन फुलझड़ी के बारे में आपने ऑलरेडी पता है भाई, पहले तो कम्बशन स्लो होता है क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर से घिरी रहती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बहुत दिनों तक रहेगी तो एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ वो मैग्नीशियम कार्बोनेट बदल जाएगी, ये भी शायद हमको एक सवाल से पता चला है, अपन ने लिखा भी है, और ये भी पता है कि सर अल्टीमेटली जब कम्बशन होगा तो डैजलिंग यानी कि चमकती हुई सफ़ेद फ्लेम आती। हेलो, वो सबने देखा हुआ है। हेलो, तो लिखो तो, हाँ बोलो, तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जब क्यूपिक ऑक्साइड बनाएगा तो काले कलर का ऑक्साइड होगा बेटा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और रोमन नंबर 3 है, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो Al2O3 बनाएगा, और ये एक सफ़ेद एंड ओडरलेस, ये भी एक सॉलिड है, ये सफ़ेद होता है और इसमें कोई स्मेल नहीं होती, ये इसके बारे में प्रॉपर्टी है, अलग से ऑक्साइड के बारे में इतनी जानकारी लिखो, लिखो तो, हाँ ये भी खैर आपने फिजिकल प्रॉपर्टी की ही बात है, तो क्योंकि भाई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब होना फिजिकल चेंज ही है,
तो फिर आपको अलग से मैंने एक्चुअली ये बात इसलिए लिखवाई है, हो सकता है कोई बच्चा सवाल पूछा हो तो बात, हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टी में बात आनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, नोट डाल लो और सुन लो भाई। इतना आप जान चुके हो सर, मेटल सॉलिड होते हैं और सॉलिड चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ मेटल सर एक्सेप्शन ऑलरेडी ऑब्वियसली है ही नेचर में। दो मेटल के एग्जाम्पल दे रहा है आपको, गेलियम और सीजियम। एक्चुअली सच्चाई ये बेटा कि ये जैसे मान लो इनको जनरली ना फ्रिज में रखा जाता है, तो फ्रिज में रहता है टेम्परेचर 5-10 है ना, तो ये सॉलिड ही रहते हैं, ये पता है रूम टेम्परेचर पे आके लिक्विड होते हैं। तो मतलब आप ऐसे समझो कि जैसे बर्फ़ को हाथ पकड़ते हो तो पिघल जाती है ना, तो ये मेटल भी कुछ ऐसे ही है बेटा, ये मेटल भी ऐसे ही है कि इनको हाथ में पकड़ो तो मतलब फ्रिज से निकाल के हाथ में रखो सॉलिड होंगे, लेकिन जैसे हाथ मतलब रूम टेम्परेचर, भाई तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर भी लगभग रूम टेम्परेचर जैसा होता है, तो रूम हाथ में आके पाम में रख के पिघल जाएंगे, क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर ही इनके लिए मेल्टिंग पॉइंट है। जानकारी होती होनी चाहिए। मेटल के ऑक्साइड में पहला पॉइंट लिखेंगे, जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड हेंस दे कैन ईजली रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट। कहने का मतलब ये है, एसिड बेस आप पढ़ ही चुके हो, वहाँ भी बताया था मैंने भाई, मेटल में प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, तो उसके ऑक्साइड की भी प्रॉपर्टी भाई, बच्चे की प्रॉपर्टी वही होगी जो बाप की थी, तो मेटल का ऑक्साइड की भी लगभग वही प्रॉपर्टी रखता है लगभग। वैसे ऐसा हमेशा नहीं होता है कि बाप और बेटा एक जैसे हो, लेकिन हाँ मैक्सिमम केसेस में होता है। वैसे यहाँ पे भी फिलहाल जो मेटल की टेंडेंसी थी वही उसके ऑक्साइड की भी टेंडेंसी है, कि मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो मेटल का ऑक्साइड भी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन देना मतलब बेसिक नेचर, शायद आपको ये पता है पिछले चैप्टर से। और बेस क्या करेगा बेटा, बेस आराम से एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा। देखो रिएक्शन जैसे रोमन नंबर 2 है बेटा, तो एग्जांपल है रोमन नंबर 1, Na2O सॉलिड प्लस HCl, भाई मेटल का ऑक्साइड बेस, कैल्शियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड बेस, एसिड HCl, एसिड H2SO4 एक्वस साथ रिएक्शन करके सॉल्ट टॉइस ऑफ NaCl और CaSO4 एक्वस बना रहा है और साथ में पानी बना रहा है। हमें पता है सर बेस प्लस एसिड फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन होता ही है, लिखिए। तो हाँ बोलिए, सर। तो पॉइंट क्रमांक 2 को लिखिए पूरा, शायद आपको पता भी था, फिर से बता रहा हूँ कि सारे मेटल के ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, सब नहीं होते, कुछ होते हैं, और वो मेटल के ऑक्साइड जो पानी में सॉल्युबल होते हैं वो हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, और वो हाइड्रोक्साइड पानी में जाके OH- आयन देते हैं। हाँ मेटल के हैं तो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो मेटल के ऑक्साइड पानी में, वो मेटल के ऑक्साइड जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होकर ऑब्वियसली ऑक्साइड पानी में मिलके OH- हाइड्रोक्साइड बना देता है जो कि OH- आयन देते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड बेस तो होते ही हैं, लेकिन वो मेटल के ऑक्साइड जो पानी में सॉल्युबल हैं, और ऑब्वियसली बेस तो सारे ही मेटल के ऑक्साइड होते हैं तो ये भी बेस होंगे ही, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल बेस हैं। ऐसे वाटर सॉल्युबल बेस पानी में OH- आयन देते हैं, और ऐसे बेसिस को हम स्पेसिफिकली एक और नाम देते हैं, उन्हें कहते हैं अल्कली। तो वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन अल्कली एंड अ बेस? सारे बेस इलेक्ट्रॉन देते हैं, अल्कली भी इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन अल्कली एक ऐसा बेस होता है जो इलेक्ट्रॉन किस रूप में देता है, पानी में घुल के OH- आयन के रूप में देता है। क्यों? क्योंकि इसके अल्कली जिस मेटल के ऑक्साइड से बना होता है वो मेटल का ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होता है, और सारे मेटल के ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं होते, कुछ ही होते हैं, और वो अल्कली कहलाते हैं। शायद समझ में आता है, तो सब नहीं, कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, तो उन्हें क्यों जो, हर वो चीज़ जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करती है ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। फेमस एग्जांपल है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक कैसे, उसका एग्जाम्पल मैं दिखा भी रहा हूँ। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है Al2O3, एसिड के साथ HCl साथ बेस के साथ NaOH साथ दोनों साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। ऊपर सॉल्ट बन रहा है AlCl3 और पानी, नीचे सॉल्ट बन रहा है NaAlO2 प्लस वाटर, लिखो। तो हाँ बोलो, तो ये दो बड़े फेमस रिएक्शन हैं, एक एल्यूमिनियम के साथ है, एक जिंक के साथ है, दोनों रिएक्शंस उसके एम्फोटेरिक बिहेवियर को सब दर्शा रहे सर। हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ, कोई रोक रहा है? मतलब सर, मतलब बेटा जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि हवा यानी कि नेचर में ऑक्सीजन और पानी यानी कि पर्यावरण में हवा में मौजूद मॉइस्चर इन तक से रिएक्शन कर जाते हैं, और इतना फास्ट इतना तेज रिएक्शन करते हैं कि भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक है, मज़ा आता है इनको रिएक्शन करके, स्टेबल हो जाते हैं तो हीट रिलीज़ करते हैं, इतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है कि अगर पानी आनी में ऐसे मेटल्स को डाल दो तो पानी में आग लग जाती, और नहीं भी ऐसे ऐसे ही रख दो हवा में तो भी मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। मान लो तुमको मेटल का इस्तेमाल था तो वो तो ऑक्साइड बन गया, वो तो केमिकली रिएक्ट कर गया, अब क्या करोगे? तो आदमी क्या करता है, इसलिए ऐसे मेटल्स को
नॉर्मली भी जिस बॉटल में डाल के रखता है, नॉर्मली डाल के नहीं रखता कि हवा और नमी यानी कि मॉइस्चर तो कैसे पहुंच जाएगा, तो इसलिए मिट्टी के तेल में डाल के रखते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि आप चाहते हो कि उनका ऑक्सीडेशन ना हो, करोजन ना हो, वरना वो ऑक्साइड होके करोड़ हो गए, वो काम ख़त्म उनका, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये पहला पॉइंट लिखो, लिखो तो समझा ये रहा हूँ, आप इंग्लिश लिख सकते हैं कि भाई सोडियम और पोटेशियम में तो बहुत रिएक्टिव हो गए, उनसे कुछ कम रिएक्टिव जो मेटल होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, ये भी सच्चाई है कि ये पर नेचर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, मतलब अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। लेकिन इन मेटल्स के ऑक्साइड में पता क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, जैसे सोडियम, सोडियम ऑक्साइड पूरा का पूरा बन जाएगा, बचेगा ही नहीं। ये जो है ना, ये केवल ऊपर ऊपर का ऑक्साइड बनाएंगे, और ऊपर ऊपर का ऑक्साइड एक्चुअली इनमें कवरिंग क्रिएट कर देगा जो कि एक नेचुरल पेंट की तरह बिहेव करने लगेगा। जैसे लोहा, आप जानते हो लोहा जंग खाता है, तो बेटा जंग धीरे 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 करके पूरा खा जाता है। हाँ धीरे धीरे होता है सर ये काम, लेकिन अल्टीमेटली अगर लोहा में जंग लगेगी तो लगते लगते लगते, मान लो जैसे ऊपर लगी, मैं लाल कलर से जंग लगना दिखा रहा हूँ कि जैसे ऊपर लगी तो लगते लगते यहाँ पूरा बाहर बाहर लग गई, लेकिन फिर लगते लगते वो पूरा अंदर भी ख़त्म हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन इन मेटल्स के साथ ये होता है कि इनकी बस आउटर कवरिंग में ऑक्साइड की लेयर बन के बस रुक जाती है। अब अंदर का मेटल ना ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, क्यों? उस पर कभी ऑक्सीजन नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि उस पर एक नेचुरल पेंट लग गया है, उसका खुद का ऑक्साइड उसको प्रोटेक्ट करता है। तो वही लिखा है इंग्लिश नेक्स्ट लाइन से कि द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन एंड हेंस सच मेटल्स डू नॉट गेट करोडेड इजली। बात समझ में आती है? हेलो, यही लोहे को अगर आप आयरन फिलिंग्स, मतलब स्क्रैप आयरन, स्क्रैप आयरन मतलब एकदम जैसे कभी कभी जैसे लकड़ी आपने छिलते हुए देखी होगी, लकड़ी के ढेले को अगर छिलते जाओ तो आते हैं ना चिप्स बन जाते हैं छोटे 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 छोटे, तो वैसे ही फिलिंग हो जाती है, लोहे के साथ भी ऐसे ही होता है। तो आयरन की फिलिंग्स का अगर आप O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो वहाँ बर्निंग, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि लोहे का ऑक्सीडेशन तो होता है, हाँ लेकिन एक सॉलिडिफाइड गठरे का नहीं होगा, जैसे जैसे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा सरफेस एरिया, छोटे छोटे स्प्रिंकल्स कर दिए मैंने उसमें कम्बशन हो जाएगा। तो ये लोहे के बारे में एक प्रॉपर्टी होगी, और एक्चुअली ये हर कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मेटल के लिए सच्चाई है कि उनके बड़े बड़े ब्लॉक्स लाओगे तो उसमें आग नहीं लगेगी, लेकिन उनकी फिलिंग्स लाओगे तो उसमें आग लग जाएगी, जो चीरा होगा उसमें आग लग जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली उनका कम्बशन हो जाता है। कम्बशन मतलब रिएक्शन में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड बनेगा और हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी इसलिए आग दिखेगी आपको, तो दिक्कत बोलना पड़ेगा। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर में आग ही नहीं लगती, वही जो लोहे का केस था, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। कहने का मतलब है कॉपर भी सॉलिड ब्लॉक को अगर आग लगाओगे, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ भी क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। सर ये तो हमने जनरली सब लेस रिएक्टिव मेटल्स के लिए बात जान ली है, पर आयरन फिलिंग्स की का कम्बशन पॉसिबल था, और कॉपर को अगर हीट करोगे, मतलब एक्सेसिव हीटिंग करोगे, तो हाँ सच्चाई में नो रिएक्शन है, लेकिन बहुत पीछे ही पड़ जाओगे, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर में जब रिएक्शन कराओगे और हीट करोगे तो इतना बस एक्स्ट्रा हो जाएगा कि कॉपर के ऊपर का जो सतह है, लेयर है, आउटर कवरिंग है, उसमें आग लग जाएगी। आग लगना मतलब सर, सर रिएक्शन में तो ऑक्सीजन, तो कॉपर का ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा क्या बन जाएगा? सर कॉपर का ऑक्साइड, देखो कॉपर का ऑक्साइड की कवरिंग बना दी इसने, अंदर का कॉपर लेकिन एज इट इज है, भले तुमने भयंकर भट्टी में डाल दिया फिर भी ऊपर ऊपर का कॉपर काला हो गया, अंदर कॉपर अभी भी जिंदा है, और इसे कहते हैं CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो कि इस पे काले कलर की एक लेयर बना लेगा और अंदर का कॉपर, अंदर का मेटल बचा रहे। हेलो हेलो, शायद ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, क्योंकि आपकी जो तारे होती हैं ना बेटा, वो कॉपर की होती हैं, तो कभी भी देखो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो जहाँ एग्जैक्टली शॉर्ट सर्किट हुआ है, जहाँ आग लगी है, वहाँ की तार आप देखोगे काली हो जाएगी, लेकिन बाकी अगर अंदर की तारे देखोगे ना तो बची रहेंगी अभी भी। तो ये शायद प्रॉपर्टी का फायदा, भाई अपन नीचे आओ तो एकदम नीचे वाले जो होते हैं जैसे सिल्वर और गोल्ड, ये तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते, शायद इसीलिए इनको आदमी सोना चांदी के जेवर बना के रहता है और जिसमें कभी जंग नहीं लगती,
क्योंकि इनका कभी ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होता। तो हाँ, इनमें मिट्टी इट्टी फंस जाती है, और सिल्वर सच्चाई ये बहुत पुराना हो जाएगा तो थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो हल्का सा सिल्वर ऑक्साइड भी काला होता है, तो हल्की सी शाइन चली जाती है, पर वो भी बहुत 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 पुराना, बहुत सालों के बाद ही काम होता है। तो जनरली यह माना जाता है कि सिल्वर गोल्ड रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उन्हें इनर्ट मेटल कहते हैं, क्योंकि रिएक्शन नहीं करते। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट छठवां पॉइंट भी डाल दीजिए, लिख दीजिए रिएक्टिविटी सीधे ऑफ मेटल, जो कि मैं आपको रिवाइज रिकॉल ही करवा रहा हूँ, रिएक्टिविटी से आप ऑलरेडी जानते हो। तो हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालो तो। हाँ बोलो, बस यहाँ ये कर दो, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ऐसे जा रही है, और फिर इसके बाद ऐसे। आपके पास जगह हो तो कंटिन्यूएशन में ही लिखना, ना हो तो अलग बात है, पर आई फील कि आप इसको डाउन द ग्रुप साथ में ही लिखना, और लिख देना रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ऊपर वाले बहुत रिएक्टिव हैं, बीच वाले मॉडरेट, नीचे वाले एकदम लुल। हेलो, सबसे पहले एक बेसिक जानकारी बॉस, इतना शायद आप सब जानते हो कि एल्यूमिनियम का अगर रिएक्शन कराया जाए ऑक्सीजन के साथ तो बन जाता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बारे में हमको सर एक बात पता चल चुकी है कि एल्यूमिनियम का ही ऑक्साइड की अगर, मान लो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि लेयर की अगर कोटिंग कर दोगे तो अंदर का मेटल कभी भी लाइफ में करोड़ नहीं होगा। दैट मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों। यस सर। अब हम ना ये ऑन पर्पस करते हैं, ऑन पर्पस करते हैं मतलब, जैसे बेटा फॉर इंस्टेंस मैंने एक मेडल बनाना है, मैंने एक ट्रॉफी बनानी है, और ये ओलंपिक लेवल की ट्रॉफी, अच्छी ट्रॉफी है, वैसे ओलंपिक की तो गोल्ड, असली गोल्ड होता है ऐसे सुना हूँ मैं, पर पता नहीं मेरे को, मतलब फिर भी कुछ तो अच्छा ही होगा होगा। तो जो मेटल्स होते हैं, अब मुझे एक बहुत अच्छी ट्रॉफी बनानी है, मैं कह रहा हूँ मुझे पद्मश्री, पद्म भूषण वो सब में भी मिलती है ना प्लेट्स, तो उस वो मैं चाहता हूँ वो प्लेट ऐसा तो ना होना कि काली पड़ जाए, मतलब जैसे डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, तो मैं चाहता हूँ इसमें एक नेचुरल पेंट लग जाए। तो आदमी क्या करता है, आप अगर घर का गेट बनाते हो तो घर के गेट में हर दिवाली में पुताई करवाते हो, हर चार दिवाली के बाद, कि लोहे जंग ना खाए। तो एक्चुअली हम ये प्रयास करते हैं एनोडाइजिंग में, हम ये प्रयास करते हैं कि मान लो ये कोई मेटल की प्लेट है, इसको मैंने एनोड बना दिया, और इसमें मान लो मैं नाम लिखवाना चाहता हूँ कि हाँ भैया गौरव नाम के आदमी को मैं पद्म भूषण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। तो अब एक काम ये करो आप ना ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की चादर चढ़ा सकते हो, पता है कैसे? जैसे आप कॉमन सेंस समझो कि मैंने ऐसे एक एल्यूमिनियम की ट्रे ली, उस ट्रे में जहाँ जहाँ GAURAV लिखा हुआ था वहाँ वहाँ मैंने प्योर एल्यूमिनियम, मतलब ये काला वाला हो गया प्योर एल्यूमिनियम, ठीक है। अब मैंने इसको बना दिया एनोड, मतलब मैंने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया और नेगेटिव जोड़ दिया कि किसी और मेटल को, और ये सारी चीज़ को मैंने एक सोल्यूशन में डाल दिया। अब शायद, और मैंने पानी डाला और एसिड डाला, शायद आपको पता है पानी डाल के एसिड डालोगे सर बिजली पास करोगे तो, भले तुमने इलेक्ट्रोड एल्यूमिनियम, इसकी यहाँ पे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड यूज़ किया, यहाँ कुछ भी मेटल यूज़ कर लो, अल्टीमेटली पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होके क्या होता है बच्चों, ये अगर एनोड है तो ये प्लस होगा, तो इसमें पानी का OH- माइनस आयन जाके ऑक्सीजन गैस क्रिएट होगी यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्रिएट होगी, इतना तो आपको पता है शायद पिछले चैप्टर से। हेलो हेलो, यस सर। अब बेटा जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन गैस क्रिएट हुई, जहाँ जहाँ ये प्योर एल्यूमिनियम था वो ऑक्सीजन साथ रिएक्शन करके क्या बदल जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। हेलो हेलो, यस सर। और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें हमेशा इस तरीके से ले इनग्रेव्ड हो जाएगा, जैसे आपने देखा होगा ना कई बार मेटल में, मेटल की प्लेट में मेटल के शब्द लिखे रहते हैं, तो वो शब्द अलग से लिखे नहीं है बेटा, वो वहाँ केमिकली, इसलिए अगर उनको खरोचो भी ना यहाँ से तो इनको खरोच भी नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो फिजिकली अटैच्ड नहीं है, फिजिकली चिपकाए नहीं गई हैं, इट इज़ केमिकली, इट हैज़ केमिकली रिएक्टेड ओवर देयर। हेलो, बात समझ में आ रही है? बोलना पड़ेगा। यस सर। यस सर। बोलना पड़ेगा। यस सर। तो ये केमिकल प्रोसेस वहाँ पे होके ये जी हो गया, ये ए हो गया, ये यू हो गया, तो इसका टेक्निकली हम इस्तेमाल पता है कहाँ करते हैं एनोडाइजिंग का, एक तो प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाने के लिए, दूसरा डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। थोड़ा बहुत हजम हो रहा है आप सबको? बोलना पड़ेगा। यस सर। यस सर।
अब मैं चाह रहा हूँ कि जो आपने इंग्लिश लिख ली, ये देसी फोटो पर्याप्त है। यहाँ मैंने किया क्या है, यहाँ मैंने एक मेटल की स्ट्रिप लगाई, दूसरे मेटल की स्ट्रिप लगाई, बैटरी जोड़ दिया, बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव, ये एनोड, ये कैथोड। जो एनोड है वो मैंने एल्यूमिनियम सॉलिड का बनाया, कैथोड मैंने कोई भी मेटल का ले लिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने पानी डाला था बिजली पास करके, जब बिजली पास करोगे एस थोड़ा सा एच प्लस डाल के तो हमको पता है यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मतलब नहीं है, क्या दिखाऊँ, मतलब ऑक्सीजन गैस ज़रूर दिखा रहा हूँ, और ये दिखा रहा हूँ कि एल्यूमिनियम सॉलिड से ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके बना लेगा Al2O3, जो कि आपको जिस भी इस्तेमाल में आपको लेना है इसको। भाई मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए चादर चढ़ानी है तो यूज़ कर लो, मेटल में कुछ डेकोरेटिव चीज़ें लिखनी है जो सालों तक चलती रहे तो कर लो, तो शायद आप समझ पा रहे हो, लिखो तो। हाँ बोलो। तो पानी के साथ रिएक्शन ऑफ मेटल का रिएक्शन ये है कि मेटल प्लस वाटर फॉर्म्स, पानी में भी ऑक्सीजन तो है ही तो मेटल को ऑक्साइड में तो बदलेगा ही, बस साथ में हाइड्रोजन एच प्लस, हाइड्रोजन गैस के रूप में बदल जाएगा। अगर आप गौर करो बच्चों तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें मेटल जीरो के स्टेट से किसी प्लस एक्स के स्टेट में आएगा और हाइड्रोजन। सर मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा चलो पहले इसको लिख लो बेटा, ये सर मेटल और वाटर रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनती है ना? बेटा मेटल और वाटर रिएक्ट करते हैं तो पहले बनता है मेटल ऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन। वो मेटल ऑक्साइड जो पानी में सॉल्युबल होते हैं बेटा, वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या सारे मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होते हैं, ये लिखवा चुका हूँ बेटा मैं, नहीं। हेलो हेलो। यस सर। तो अगर मैं जनरल बात कर रहा हूँ तो मेटल ऑक्साइड पे रुक जाऊँगा कि मेटल हाइड्रोक्साइड लिखूँ? मेटल ऑक्साइड पे रुक जाऊं क्योंकि सारे ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल बोलना पड़ेगा, नहीं होते, नहीं होते। नहीं होते। वो मेटल ऑक्साइड जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड। नालायकों। वो मेटल ऑक्साइड जो पानी में सॉल्युबल होता है, हाँ अल्कली। क्या बोलते हैं, चित्रांशी जवाब दिए, अल्कली। अल्कली, ठीक है। अल्कली। हाँ ये अच्छा इंग्लिश वाला आ जाओ, क्या है, अल्कली। हाँ राइट, अल्काली नहीं बोलना है। हाँ ठीक है, चलो समझ में आता, आगे बढ़ जाऊँ, बोलना पड़ेगा, लिख लिया सबने? यस।